एक बार फिर से स्वागत है झारखंड के ताजातरीन खबरों में। मैं हूं गजेंद्र विश्वकर्मा और आज हमारे बीच आए हुए हैं बिहार यानी मगही के सुपरस्टार सौरभ सुगम यादव जी। तो चलिए इनका सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो सर आपका झारखंड आना कैसे हुआ? सबसे पहले तो आपका चैनल KKL न्यूज को जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं सभी को दिल से प्रणाम, और आप लोग बस इसी तरह से अपने भाई को प्यार और आशीर्वाद देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आपका भाई एकदम जीवन भर आप लोग का इंटरटेनमेंट कराता रहे और आप लोग हमसे प्यार लेते रहिए, आप प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका फिर से स्वागत करता हूं, क्योंकि आपने जो बोले इसके लिए मुझे बहुत झारखंड आए। खास वजह है कि शूट करने के लिए बोले आए हैं यहाँ, 20 से 25 गाने लेकर आए हम लोग। अच्छा, 5 दिन तक शूट करेंगे हम लोग यहाँ, 6 दिन तक, जितना दिन हो जाए, 10 दिन भी लग सकता है, जितना दिन लग जाए शूट करेंगे, उसके बाद यहाँ से जाएंगे। और इसका वीडियो डायरेक्टर हमारे बड़े भैया हैं बीके खेसारी जी। अच्छा, वही शूट करेंगे। तो सर आप झारखंड फर्स्ट टाइम आए और पहले कभी आए थे? झारखंड तो हम आते रहते हैं, रद्रप्पा जाते रहते हैं हम लोग, महीना में जाते रहते हैं। तो सर फिलहाल तो आप सिर्फ गाना पर्पस लेके आए हुए हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह कीजिएगा, 5 दिन रहिएगा। तो थोड़ा झारखंड में बहुत ऐसे ऐसे जगह है जो लोकल में आप नहीं घूमे होंगे, तो मेरा विचार है कि आप झारखंड आए हैं तो कुछ कुछ जगह घूम लीजिएगा। शूट नहीं कर पाएंगे आज बस शाम तक घूमेंगे और कल से शूटिंग स्टार्ट। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। तो सर एक दो सवाल कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे, आप जो गाना लिखते हैं क्या आपका खुद से लिखा हुआ रहता है, आपके कोई अलग? मेरा गाना राइटर साहब लिखते हैं, जितना भी मेरा गाना आज तक हिट हुआ है 10 से 15 गाना लगातार हिट हुआ है, तो बड़े भैया सुदामा जी हैं। अच्छा, यही सब गाने हमारे। चलिए सुदामा जी, तो बोलिए सर आप ही गाना लिखते हैं? बहुत अच्छी बात है सर, गाना तो आपका पूरा मार्केट में पूरा फाड़ के रख दे रहा है सर। मेरा दर्शक का आशीर्वाद और प्यार है कि बस। चलिए चलिए, सबका आशीर्वाद है, बहुत अच्छा गाना आप गाते भी हैं और लोग पसंद भी करता है, तो अच्छी बात है सर। गाते कैसा ही तो नहीं पता है, लेकिन पसंद लोग करते हैं। सबसे बड़ी बात है सर आप गाते हैं, अच्छा लगता है लोगों को, तो हाँ, पसंद करते हैं लोग ही पता है सर। तो सर बताइए आपका सबसे पसंद, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उन्हीं का गाना देख के शायद कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलता है? हमारे सबसे पसंदीदा कलाकार हैं, गायक हैं हमारे बड़े भैया, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी। अच्छा, खेसारी लाल यादव जी से सीखते हैं आप? जी एकदम, जो भी आज जहाँ भी हम हैं, हाँ, जो भी कुछ सीखें तो बड़े भैया खेसारी लाल यादव जी से सीखे हैं, और भगवान भैया को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे कि पीछे पीछे हम भी सीखते जाएं। तो क्या आप उनसे कभी मिले हैं? जी मिले हैं, पटना। पटना मिले हैं ना, तो लोग आपको मतलब वो पहचानते हैं आपको? हाँ पहचानते हैं। गाना भी तो आपका हिट हुआ रहता, तो सुनते करते हो? हम लोग का बाई नेम बाई फेस पहचान है हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। तो खाली खेसारी भाई से मिले हैं या पवन सिंह से भी मिले हैं? नहीं उनसे तो नहीं मिले हैं सर। अच्छा उनसे नहीं मिले। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। तो आप बताइए आपका ट्रेंडिंग अभी जो फिलहाल गाना तो सब मार्केट में लॉन्च कर ही देता है, मतलब हिट चल ही जाता है, तो अभी आपका हिट गाना कौन सा चल रहा है मार्केट? मेरा फिलहाल एक गाना है बिस्लरी सॉन्ग, जिसका नाम है पीले बिस्लरी के परी, अभी ऑडियो रिलीज है, उसका शूट कल होगा। अच्छा, तो यहाँ पर आप शूट कर लेंगे उसी गाने का? शूट गाने का शूट लेके आए हैं, और भी गाना है लेकिन मतलब उसके पर्पज से ज्यादा हम लोग आए हैं। अच्छा, ये जो गाना जो आप गाते हैं क्या ये आपके वास्तविक जीवन से मैंने बिलोंग करता है या इसी मतलब मन में आया तो गा दिए? देखिए गाना जो हम लोग को भैया लिखते हैं, अच्छा, तो अब सोच के ही कुछ लिखते होंगे, और ऐसा इनका गाना लिखा हुआ कुछ ही गाना है जो कि मार्केट नहीं बजा है, लेकिन तो जितना भी लिखते हैं बज जाता है। मतलब अपने मन से बनाते हैं या मन आपके जीवन बनते हैं? गाने जो बनते हैं तो हम लोग का जीवन से ही जो घटित चीज होता है उसी पे गाने हो, फिल्म हो, जो भी हो, मतलब आपका लाइफ के बारे में इसमें गाना दर्शाया जाता है? हाँ एकदम दर्शाया जाता है, इंटरटेनमेंट भी होता है सब। नहीं नहीं, तो जरूरी इंटरटेनमेंट के लिए ही तो गाना गाया जाता है। मौका मिले झारखंड में परफॉर्मेंस करने का तो आप सर कौन सा गाना लेके बोलिएगा? मेरा एक ठो गाना था टपाटप, अच्छा, मेरा फेवरेट सॉन्ग है और उसी पे हम करना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात है, क्या एक लाइन सुना सकते हैं क्या? हाँ एकदम सुना दीजिए का, ताकि गाना भी लगे लोगों को। टपाटप के ऊपर बहुत सारा गाना निकल चुका है, खूब बजा था गाना, अभी से अभी भी बजता है, माघी में जब राजधानी बज रहा था ना, उसका एक महीना बाद वो गाना आया था, तो अभी खूब चला है। गाना है कि चल गे छोड़ी ना वादा पूरा करी देवो वादा, अगे चल गे छोड़ी ना वादा और पूरा कर ही देवो वादा, आगे वो हाँ खिलैबो गरम समोसा, आगे वो हाँ खिलैबो गरम समोसा, तक ओकर बाद आगे टपा टप टपा टप टपा टप टप टप। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, आप तो गाना इसी तो
थोड़ा मनोरंजन के लिए हम भी थोड़ा आपका एक दो गलत सुन लिए एक दो लाइन। तो सर बताइए, आपका शादीशुदा आप हैं या इसी कुमारा हैं अभी तक? अभी सर तो हम कुमारा है। आप बताइए, आपका जो पहला गाना जो हिट हुआ था, ये कौन सा कंपनी के द्वारा आपका हिट हुआ था और कौन सा गाना हिट हुआ था? मेरा पहला गाना भोजपुरी हिट हुआ था, लेकिन उससे हमको कोई नहीं जानता था। अच्छा, मान लीजिए हिट हुआ था, लेकिन जब मगही में मेरा गाना DNS म्यूजिक से हिट हुआ, अच्छा, तब सभी लोग पहचाना कि एक सौरभ सुगम नाम का गायक है, उसी से हमको पहचान मिला। अच्छा, तो अभी क्या आप DNS म्यूजिक में अपना गाना 25 गाना DNS म्यूजिक का ही है? अच्छा, अच्छा, जो करने आया। अच्छा, वहीं से ना। तो आप टोटल कितने, मतलब जो सिंगर जो म्यूजिक वाला जो कंपनी होता है उससे आप कितने म्यूजिक से टाई अप हैं आप? बहुत है सर, हम गिनती नहीं कर सकते इतना। चलिए कोई बात नहीं, ये पूछना भी नहीं चाहिए था, पर्सनल सवाल है, कोई ऐसा बात नहीं, लेकिन लोग जानने की इच्छा करता है, क्योंकि इसलिए जानने की इच्छा करता है क्योंकि आपका कोई अगर यदि चैनल सब्सक्राइब कर लेता है, बहुत सारे चैनल है, जैसे हो गया अनिका एंटरटेनमेंट, बेद शक्ति एंटरटेनमेंट, सहा एंटरटेनमेंट, बहुत सारे कंपनी है जो की जुड़े, आनवी एंटरटेनमेंट, बहुत सारे कंपनी है। तो सर अगर यदि आपको यहाँ मौका दिया जाए, आप मगही गाना गा लेते हैं जो ऑलरेडी मतलब पूरा मतलब मगही कोटा सेम बराबर में आता है, और भोजपुरी गाना भी आप गा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नागपुरी गाना वगैरह यदि आपको गाने का मौका दिया जाए तो क्या आप गा सकते हैं सर? एकदम गा सकते हैं। सुगम जी से बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा इनसे, क्योंकि सबसे पहले ये हमारे झारखंड में आए हुए हैं, वो भी BK रिकॉर्डिंग म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, जो बहुत ही चर्चित और फेमस हैं BK जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपसे बातचीत हुई बहुत अच्छा लगा। हाँ, ताकि आप जैसे कलाकार को हम लोग चाहते हैं कि आप लोग को जितना भी सपोर्ट हो सके हम लोग करें, ताकि आप लोग की वजह से हम लोग झारखंड बिहार का नाम दूसरे राज्य से भी थोड़ा सा मौका मिलता है, और दिल में खुशी होती है कि भाई हम लोग अभी राज्य में कलाकार हैं जो अच्छा अच्छा गाना गाते हैं, जो लोगों को पसंद करते हैं। तो सभी को मेरे तरफ से जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, थैंक यू सर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।